हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीएम मनोज गुप्ता। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और अभी तक आपने अपनी सभी इनवर्ड सप्लाईज को GSTR2A से मैच नहीं किया है तो सितंबर मंथ की GSTR3B फाइल करने से पहले वह मैच जरूर कर लें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। है नुकसान क्या है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर हमारे लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर को समझना जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें 1 जुलाई 2017 की, जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, एट दैट टाइम जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर रखा गया था है कुछ इस तरह था। अगर कोई भी सप्लाई करता है तो वह अगले महीने की 10 तारीख तक सभी आउटवर्ड सप्लाईज, जो भी उसने आउटवर्ड सप्लाई की है, सेल की है, वह सभी सप्लाईज GSTR1 के जरिए फाइल करेगा और साथ ही GSTR1 में जो भी उसने बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की हैं उनको अलग से रिपोर्ट करेगा और जो भी बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स की हैं उनको अलग से रिपोर्ट करेगा। और इस GSTR1 के बेसिस पर जिन भी रिसिपिएंट्स ने सप्लायर से सप्लाई रिसीव की है उनके GSTR2 में वह सप्लाई रिफ्लेक्ट होगी और रेसिपिएंट को यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। जब वह GSTR2 में कोई भी इनवर्ड सप्लाई देखता है तो वह उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है। और जैसे ही बायर के द्वारा, रेसिपिएंट के द्वारा वह सप्लाई एक्सेप्ट कर ली जाती है, वह GSTR2 का पार्ट बन जाती है। GSTR2 में बेसिकली वह सभी इनवर्ड सप्लाईज होंगी जो कि एक रेसिपिएंट के द्वारा रिसीव की गई है फ्रॉम दी वेरियस सप्लायर्स। और अगर रेसिपिएंट के द्वारा कोई मॉडिफिकेशन की जाती है या फिर रिजेक्शन की जाती है, वह रिपोर्ट GSTR1A के जरिए वापस से सप्लायर के पास रिफ्लेक्ट होगी। और इस तरह जब बायर और सेलर दोनों अपनी आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज को फाइनल कर लेते हैं GSTR1 और GSTR2 के जरिए, उसके बाद उनको GSTR3 फाइल करनी होगी और जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वह पे करनी होगी। यहाँ पर बेसिकली जो यह प्रोसीजर रखा गया था इसमें GSTR2A और GSTR2 के बेस पर ही फाइनल इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाना था। और अगर कोई सप्लायर GSTR1 फाइल करते हुए कोई भी सप्लाई मिस कर देता है या फिर किसी गलत GST नंबर के साथ फाइल कर देता है तो ऐसे में रिस्पेक्टिव बायर को, रेसिपिएंट को उस सप्लाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जब से GST को इम्प्लीमेंट किया गया है तब से कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहे हैं, जिनकी वजह से GST रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर में भी काफ़ी चेंजेस किए गए। GSTR2, जिसमें कि इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल रिपोर्ट की जानी थी, उसको स्टार्टिंग से ही पोस्टपोन किया जाता रहा। आज 1 साल पूरा होने के बाद भी GSTR2 को एक्टिव नहीं किया गया है। और जैसा कि फॉर्म GSTR2 को डेफर किया जाता रहा है, उसकी वजह से फॉर्म GSTR3 भी फाइल नहीं हो पा रहा है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए GSTR3 को GSTR3B से रिप्लेस कर दिया गया और GSTR3B को एक प्रोविजनल समरी रिटर्न कहा गया। और साथ ही कहा गया, जब भी फॉर्म GSTR3 को एक्टिव किया जाएगा उसको रिकनसाइल किया जाएगा फॉर्म GSTR3B, जो कि एक प्रोविजनल समरी रिटर्न है। और इसमें कोई भी डिफरेंस होगा, कोई भी मिसमैच होगा, वह डिफरेंस अलोंग विद इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा। अगर मैं बात करूं करंट GST रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर की, अभी फिलहाल के लिए सभी सप्लायर्स को GSTR1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, साथ ही GSTR3B फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। फॉर्म GSTR2, फॉर्म GSTR3 को अभी डेफर किया गया है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म GSTR2A को एक्टिव कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी सप्लायर जो भी आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 में रिफ्लेक्ट करता है, रिपोर्ट करता है, वह सभी सप्लाईज रिस्पेक्टिव बायर रेसिपिएंट के GSTR2A में रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर बायर अब चेक कर सकता है कि उसने जिस सप्लायर से परचेज़ की है, क्या उस सप्लायर ने वह ट्रांजेक्शन GSTR1 में रिपोर्ट की है या नहीं की है। अंडर GST रिजिम, सप्लायर शेल फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR1 ऑन द बेसिस ऑफ विच आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी शेल बी डिटरमाइंड एंड बी पेड थ्रू GSTR3 और GSTR3B। डिटेल्स फर्निश्ड बाई सप्लायर विल बी रिफ्लेक्टेड टू रेसिपियंट इन GSTR2A
ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिपियंट शैल डिसाइड द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू हिम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कराया जाएगा वह फॉर्म GSTR 2A के बेस पर ही अवेलेबल कराया जाएगा। फॉर्म GSTR 3B के जरिए जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं वह एक प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट होता है और इसको जब तक आप फॉर्म GSTR 2A से मैच नहीं कर पाएंगे तब तक आपका यह प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट फाइनल टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। और अगर आप GSTR 2A में कोई भी डिफरेंस पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपने प्रोविजनल बेसिस पर जो भी टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वह आपको रिवर्स करना होगा अलोंग विद इंटरेस्ट। यहाँ पर एक रेसिपिएंट के लिए, एक बायर के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वह इंश्योर करे उसने जिस भी सप्लायर से सप्लाई रिसीव की है उस सप्लायर ने GSTR 1 फाइल करते हुए कोई भी ती नहीं की है, आपकी इनवर्ड सप्लाई को सही सही रिपोर्ट किया है, तभी आप उस सप्लाइज के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। Therefore, you should ensure that supplier has reported supply in GSTR 1 that is reflected in GSTR 2A. अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर सप्लायर GSTR 3B फाइल करते हुए सप्लाइज को ठीक से रिपोर्ट कर देता है लेकिन GSTR 1 में वह कोई सप्लाई मिस कर देता है तो क्या ऐसी सप्लाई के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? तो यहाँ पर रेसिपिएंट को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले ही सप्लायर ने GSTR 3B फाइल करते हुए वह ट्रांजैक्शन वह सप्लाई रिपोर्ट कर दी है लेकिन अगर GSTR 1 में वह सप्लाई ठीक से रिपोर्ट नहीं की है और GSTR 2 में वह सप्लाई नहीं शो हो रही है तो ऐसे में बायर को रेसिपिएंट को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। और अगर उसने प्रोविजनल बेसिस पर वह क्लेम किया है तो उसको वह रिवर्स करना होगा और साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना होगा। उसके बाद सेक्शन 42 सबसेक्शन 5 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 कहता है अगर कोई भी मिसमैच होता है GSTR 1 में और GSTR 2A में तो ऐसी सिचुएशन में जो भी टैक्स लायबिलिटी है वह रेसिपिएंट के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी और रेसिपिएंट को वह पे करनी होगी। बेसिकली यहाँ पर रेसिपिएंट पर डबल बर्डन डाला गया है कि वह पहले तो टैक्स पे करेगा सप्लायर को और साथ ही इंश्योर करेगा कि सप्लायर जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसमें वह GSTR 1 रिपोर्ट करते हुए सभी ट्रांजेक्शन ठीक से रिपोर्ट करें। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन गलत हो जाती है, कोई GST नंबर गलत डल जाता है या फिर कोई इनवॉइस मिस हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, उसको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वेयर एवर एनी एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इज फाउंड विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाई सप्लायर इन फाइलिंग GSTR 1 शैल बी एडेड टू द टैक्स लायबिलिटी ऑफ रेसिपिएंट। अदर वर्ड्स दिस कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रेसिपिएंट टू इंश्योर दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड बाई हिम इज बींग प्रॉपरली रिपोर्टेड बाई द सप्लायर। उसके बाद बात आती है कि अगर बायर के द्वारा रेसिपिएंट के द्वारा कोई सप्लाई रिसीव की गई है लेकिन GSTR 2A चेक करते हुए वह सप्लाई वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? तो यहां पर उसको अपने सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए कि जो सप्लाई उसने रिसीव की है वह GSTR 2A में शो नहीं हो रही है तो जो भी GSTR 1 फाइल करते हुए सप्लायर ने गलती की है उसको वह ठीक करे, या फिर हो सकता है सप्लायर ने GSTR 1 फाइल ही नहीं की हो तो ऐसे में सप्लायर को GSTR 1 फाइल करने के लिए फोर्स करे। We can conclude that recipient must ensure that all input tax credit claimed by him is properly reflected in his GSTR 2A. In case of any discrepancies found, same shall be communicated to supplier so that he can report the same in his coming GSTR 1. यहाँ पर अगर supplier के द्वारा कोई GSTR 1 file करते हुए गलती कर दी गई है तो वह गलती next GSTR 1 file करते हुए ठीक की जा सकती है supplier के द्वारा। अब बात आती है 20 अक्टूबर कौन सी डेट है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने टाइटल में दिखाया है 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो यह वह डेट है अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना भूल गए हैं तो वह आप सितंबर मंथ के लिए GSTR 3B फाइल करते हुए ही क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में आप कोई भी ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना भूल गए हैं जिसके लिए आप एलिजिबल थे तो यहाँ पर 20 अक्टूबर जो कि सितंबर मंथ के लिए GSTR 3B फाइल करने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर तक ही आप वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के रिगार्डिंग कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा।
अब यहाँ पर एक बात आती है, अगर आप एक बायर हैं, आप एक रेसिपिएंट हैं और आपने कोई इनवर्ड सप्लाई रिसीव की है, लेकिन वह इनवर्ड सप्लाई GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, आपने प्रोविजनल बेसिस पर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, तो ऐसे में वह इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ सकता है और साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, अगर सप्लायर वह सप्लाई सितंबर मंथ के बाद रिपोर्ट करता है और आपके GSTR 2A में वह सितंबर मंथ के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो क्या आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसा कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सितंबर मंथ की रिटर्न फाइलिंग के बाद अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, तो यहाँ पर लिटिगेशन हो सकता है कि टैक्स ऑफिसर आपको सितंबर मंथ के बाद जो GSTR 2A में सप्लाईज रिफ्लेक्ट होंगी रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको ना दे। ऐसे में आप इंश्योर करें कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के रिगार्डिंग जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाईज है, वह सभी की सभी GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो। अगर उसमें कोई भी मिसमैच आता है तो यहाँ पर आपको वह रिवर्स करना होगा और साथ ही इंटरेस्ट पे करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के रिगार्डिंग कोई भी सप्लाई अगर सितंबर मंथ के बाद रिफ्लेक्ट होती है फॉर्म GSTR 2A में, तो ऐसे में टैक्स ऑफिसर उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिजेक्ट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग अभी कोई क्लैरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। यहाँ पर भले ही आपके पास टैक्स इनवॉइस हो, भले ही आपने इनवर्ड सप्लाई रिसीव कर ली हो, आपको मेक श्योर करना होगा, आपको इंश्योर करना होगा कि जो भी आपने इनवर्ड सप्लाई रिसीव की है वह सप्लायर के द्वारा GSTR 1 फाइल करते हुए ठीक ठीक रिपोर्ट की गई है। फाइनली, अगर आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं करना चाहते हैं और साथ ही किसी तरह के लिटिगेशन में, किसी भी तरह के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि सितंबर 2018 से पहले आप अपनी सभी इनवर्ड सप्लाईज GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करा लें। अगर किसी सप्लायर के द्वारा कोई गलती की जा रही है उसके साथ कम्युनिकेट करें और उसको ठीक कराएं, वरना आपके लिए यह डबल लॉस होगा। आप ऑलरेडी सप्लायर को टैक्स पे कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको गवर्नमेंट को फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप मेरी यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।